हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड एंड देयर कंस्ट्रक्शन। दोस्तों अलग अलग टाइप के जो ब्रिक्स और बॉन्ड होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ब्रिक का जो लेइंग होती है, राइट, ब्रिक मशीनरी वर्क जो होता है उसमें अलग अलग प्रकार के बॉन्ड आते हैं। मतलब जो जो ब्रिक लेइंग है वो अलग अलग प्रकार की होती है और उस हिसाब से दोस्तों उसको नाम दिया गया है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप से बॉन्ड यहाँ पर मैंने बताया है, जैसे कि दोस्तों स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, उसके बाद आप देख लीजिए हेडर बॉन्ड है, ओके, उसके बाद इंग्लिश बॉन्ड है, ओके, इंग्लिश बॉन्ड, देन फ्लेमिश बॉन्ड होता है, ठीक है, ये देखिए ये फ्लेमिश बॉन्ड है, देन इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड है, राइट, फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड है, एंड जिगजैग वॉल बॉन्ड है, राइट। तो ये सारे जो बॉन्ड्स है उसका मैं कंस्ट्रक्शन डिटेल और कैसे उनकी लेइंग होती है वो सारी डिटेल मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग ब्रिक की, राइट। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्रिक है, ठीक है। अब ये ब्रिक का जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो ब्रिक है वो उसकी जो साइज़ आती है 9 इंच बाय 4 इंच बाय 4 इंच पकड़ लीजिए, राइट, या फिर 4.5 इंच पकड़ लीजिए। तो ये जो ब्रिक्स है आप देख सकते हैं, ये ब्रिक जो है इसका जो लेंथ वाला जो पार्ट होता है, जो लंबाई वाला जो पार्ट होता है, फेसिंग होती है, उसको स्ट्रेचर बोला जाता है। तो ये स्ट्रेचर है और इसे भी स्ट्रेचर बोला जाएगा। और जो शॉर्टर मतलब जो विड्थ वाला डायरेक्शन होता है, राइट, ये वाला जो पोर्शन होता है शॉर्टर 4 इंच वाला, उसको हेडर बोला जाता है। उसी तरह से, राइट, इस टाइप भी क्या होगा, ये हेडर होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्रिक के अंदर ये जो पार्ट होता है वो स्ट्रेचर का होता है और ये जो पार्ट होता है वो हेडर का होता है। और ऊपर जो दोस्तों जो कैविटी बनी होती है, और कई जगह पे दोस्तों यहाँ पे कैविटी के साथ नाम भी होता है जियो कंपनी का हो, राइट, इसके ये तो दोस्तों अच्छे से बॉन्ड क्रिएट हो इसके लिए बनाया जाता है, तो ये जो है उसको बोला जाता है फ्रॉग, राइट। ये सारी डिटेल दोस्तों जरूरी है। तो दोस्तों ये है ब्रिक। अब इसके जो लेइंग की जो मेथड है, राइट, उसके ऊपर से दोस्तों अलग अलग बॉन्ड जो है उसके नाम दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला जो कॉमन टाइप ऑफ बॉन्ड होता है वो है दोस्तों स्ट्रेचर बॉन्ड, राइट। तो स्ट्रेचर बॉन्ड की कंस्ट्रक्शन डिटेल अगर बात करें तो ये देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या होता है कि स्ट्रेचर जो है वो फेसिंग साइड रहता है। मतलब अगर आप वॉल देखेंगे तो क्या होगा, आपको सिर्फ स्ट्रेचर ही नजर आएंगे। मतलब स्ट्रेचर से बना हुआ ये बॉन्ड है, इसके लिए इसको स्ट्रेचर बॉन्ड कहा जाता है, राइट। इसके अंदर लेइंग कैसी होती है, मतलब सारे जो होंगे आपको स्ट्रेचर ही दिखाई देंगे, स्ट्रेचर के बगल में स्ट्रेचर, हेडर आपको दिखाई नहीं देगा, हेडर आपका होगा साइड में। तो ये जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। स्ट्रेचर बॉन्ड जनरली दोस्तों हमारा सिंगल वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, बट ये जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी वॉल हो उसके लिए ये यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दोस्तों इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स, राइट। उसी तरह से हेडर बॉन्ड जो है, राइट, और ये देखिए ये 1.5 ब्रिक के लिए यूज़ होती है, राइट, हमारी जो स्ट्रेचर बॉन्ड है। अब बात करेंगे दोस्तों हेडर बॉन्ड की। अब हेडर बॉन्ड है तो आपको सिर्फ हेडर ही दिखाई देंगे, ये जो वॉल है जिसके अंदर आपको सिर्फ हेडर वाला पोर्शन ही दिखाई दे तो उसको हेडर बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें हेडर ही दिखेंगे, हेडर के बगल में हेडर, राइट, इस तरह से आपको दिखेंगे। और जो क्या बोलते हैं इसको कि हमें कंटिन्यूशन दूर करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्लोजर यूज़ किया जाता है, राइट, इस तरह से। तो हेडर बॉन्ड जनरली दोस्तों 1.5 ब्रिक मतलब 9 इंच की जो वॉल होती है, राइट, मतलब फुल लेंथ जो वॉल मतलब डबल वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है, जबकि हमारा जो स्ट्रेचर बॉन्ड है वो सिंगल वॉल के लिए यूज़ होता है। तो डबल वॉल जो होती है हमारी मतलब हाँ फुल वॉल विथ के लिए कंस्ट्रक्शन जो होता है वो हेडर वाली बॉन्ड से होता है। बट ये दोस्तों इसका लोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ भी दोस्तों इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स, राइट। तो ये है हेडर बॉन्ड, जिसके अंदर आपको हेडर दिखे उसको हेडर बॉन्ड कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इंग्लिश बॉन्ड की, राइट। इंग्लिश बॉन्ड में आपको देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे आपको देखिए नीचे एक स्ट्रेचर का कोर्स होता है और एक है ऊपर है हेडर का, फिर एक स्ट्रेचर का, मतलब अल्टरनेटिव हेडर और स्ट्रेचर का कोर्स दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड में होता है, राइट। तो आप देख सकते हैं नीचे सारे जो है वो स्ट्रेचर है, उसके बाद ऊपर दोस्तों हेडर है, और इसके अंदर दोस्तों जो वर्टिकल जॉइंट को मेंटेन करने के लिए क्वीन क्लोजर दोस्तों यहाँ पे यूज़ किया जाता है,
और ये ब्रिक वॉल भी दोस्तों फुल विथ के लिए दोस्तों यूज़ की जाती है, फुल विथ ब्रिक के लिए, फुल विथ वॉल के लिए जो ये बॉन्ड है इंग्लिश बॉन्ड, इससे भी यूज़ किया जाता है। तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह से होता है, राइट, इसका जो कट सेक्शन है वो कैसे दिखेगा, राइट। तो जिस भी वॉल में दोस्तों आपको अल्टरनेटिव स्ट्रेचर और हेडर बॉन्ड दिखे उसको दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, और ये इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी होती है, राइट, कंपेयर टू हेडर और स्ट्रेचर बॉन्ड, राइट। बट इसको कंस्ट्रक्शन के लिए स्किल लेबर चाहिए जो रसो जो भी मार्केट में अवेलेबल है, राइट। उसके बाद बात करेंगे फ्लेमिश बॉन्ड की। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक स्ट्रेचर एक हेडर, मतलब सिंगल जो कोर्स है, राइट, जिसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव कोर्स थे, राइट, मतलब नीचे स्ट्रेचर का कोर्स, ऊपर हेडर का, फिर स्ट्रेचर का, मतलब मतलब सिंगल कोर्स था, राइट। यहाँ पे अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव हेडर और स्ट्रेचर जो है वो आएंगे सिंगल कोर्स में, राइट, मतलब ये जो है ये कोर्स है, इसके अंदर क्या होगा अल्टरनेटिव हेडर और स्ट्रेचर आएंगे, तब इसको क्या बोला जाएगा फ्लेमिश बॉन्ड, राइट। देखिए नीचे क्या है, नीचे उसी तरह से देखिए ऊपर भी क्या है हेडर स्ट्रेचर, राइट, उसके ऊपर भी क्या है स्ट्रेचर हेडर, मतलब सिंगल कोर्स के अंदर हेडर और स्ट्रेचर का कॉम्बिनेशन अगर बनता है अल्टरनेटिव तो उसे कहा जाता है फ्लेमिश बॉन्ड। दोस्तों इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कंपेयर टू अदर बॉन्ड बहुत ही अच्छी होती है, राइट। और जनरली दोस्तों फुल लेंथ वॉल के लिए दोस्तों ये जो है ब्रिक बॉन्ड यूज़ होता है, और मैक्सिमम दोस्तों हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे यही बॉन्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि अल्टरनेटिव हेडर और जो स्ट्रेचर का बॉन्ड है, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए दोस्तों हमारे घर के कंस्ट्रक्शन में भी इसी तरह का बॉन्ड अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश गार्डन वॉल, राइट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते बट एक गार्डन वॉल के लिए, मतलब आपके कंपाउंड वॉल के लिए इसकी यूज़ किया जा सकता है। तो इसके अंदर दोस्तों स्ट्रेचर सिंगल, मतलब ये भी दोस्तों हाफ ब्रिक के लिए यूज़ होती है, मतलब सिंगल वॉल के लिए ये यूज़ होती है। इसके अंदर स्ट्रेचर का एक कोर्स होता है, तीन कोर्स स्ट्रेचर के होते हैं, फिर एक हेडर का होता है, और फिर से तीन कोर्स क्या होते हैं हमारे स्ट्रेचर के, और फिर एक हेडर का कोर्स होता है, राइट। तो इंग्लिश गार्डन वॉल दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है, राइट, इसकी स्ट्रेंथ कंपेयर टू स्ट्रेचर और हेडर बॉन्ड जो है, राइट, उसके कंपेयर टू अच्छी होती है, राइट। तो गार्डन वॉल या फिर पार्टीशन वॉल के लिए दोस्तों ये जो वॉल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जिस वॉल के अंदर, जिस ब्रिक बॉन्ड के अंदर तीन कोर्स स्ट्रेचर के, फिर एक हेडर का, फिर से तीन कोर्स स्ट्रेचर के और हेडर का हो, तो उसे इंग्लिश गार्डन वॉल कहा जाता है, राइट। उसके बाद बात करेंगे हम लोग फ्लेमिश गार्डन वॉल की, राइट, फ्लेमिश गार्डन वॉल। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो सिंगल कोर्स होता है, मतलब ये वाला अगर सिंगल कोर्स है तो इसमें अंदर तीन स्ट्रेचर एक हेडर होता है, तीन स्ट्रेचर फिर से एक हेडर, उसी तरह से ऊपर का जो कोर्स है उसमें भी तीन स्ट्रेचर एक हेडर, तीन स्ट्रेचर एक हेडर, राइट। बट अल्टरनेटिव होते हैं जहाँ पे हमारा मिडल वाला स्ट्रेचर जो आता है वहीं पे दोस्तों हेडर को दोस्तों बीच में लाया जाता है, जिससे जो हमारे वर्टिकल जॉइंट है वो एक लाइन में नहीं आए, राइट। तो ये फ्लेमिश गार्डन वॉल है, ये भी दोस्तों बहुत ही मजबूत होती है सिंगल वॉल के लिए, पार्टीशन वॉल के लिए या फिर गार्डन वॉल के लिए, राइट। तो इस तरह से होता है, तो इसमें क्या होता है तीन हेडर, तीन स्ट्रेचर एक हेडर, तीन स्ट्रेचर एक हेडर, राइट, इसी तरह से होता है। ऊपर वर्टिकल जॉइंट ब्रेक करने के लिए मिडल वाला जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर दोस्तों हेडर को रखा जाता है, राइट। तो ये भी दोस्तों मजबूत है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है दोस्तों, वो है जिगजैग बॉन्ड, राइट। जिगजैग बॉन्ड आप देख सकते हैं इस तरह से, या मतलब दोस्तों कई जगह पे मतलब लुक अच्छा है वॉल का इसके लिए यूज़ होता है, एक्सटर्नल फेसिंग पे यूज़ होती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जिगजैग पैटर्न में दोस्तों ब्रिक्स रखी जाती है, जैसे कि एक ब्रिक ऐसी रख दी, राइट, उसके बाद एक ऐसी रखी, फिर एक ऐसी, एक ऐसी, इस तरह से दोस्तों अल्टरनेटिव दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स यहाँ पे यूज़ की जाती है, और एक जिगजैग टाइप का एक पैटर्न बनाया जाता है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जिगजैग बॉन्ड ऐसा नाम दिया गया है, राइट। तो वन बाय वन मैंने आपको सारे जो ब्रिक्स बॉन्ड है वो बता दी है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड जो होता है, राइट, उसमें क्या होता है सिर्फ स्ट्रेचर आपको दिखाई देंगे, राइट, सिर्फ स्ट्रेचर से बना हुआ बॉन्ड वो होता है स्ट्रेचर बॉन्ड। हेडर के अंदर क्या होगा, सिर्फ हेडर से बना हुआ बॉन्ड है तो उसको बोला जाएगा हेडर बॉन्ड, राइट। उसके बाद इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि अल्टरनेटिव कोर्स होते हैं, स्ट्रेचर का कोर्स होता है उसके बाद हेडर का कोर्स होता है, स्ट्रेचर का कोर्स होता है उसके बाद हेडर का कोर्स होता है। अल्टरनेटिव हेडर और स्ट्रेचर के कोर्स से बने हुए बॉन्ड को दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड कहा जाता है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, अल्टरनेट होते हैं, मतलब सिंगल कोर्स के अंदर स्ट्रेचर और हेडर का जो कॉम्बिनेशन बनता है, राइट, उसे कहा जाता है फ्लेमिश बॉन्ड, मतलब स्ट्रेचर एक हेडर, स्ट्रेचर हेडर, उसी तरह से ऊपर की साइड भी उसी तरह से दोस्तों ये जो है फ्लेमिश बॉन्ड बनाया जाता है, राइट।
उसके बाद हमारा था इंग्लिश गार्डन वॉल। इसके अंदर अल्टरनेटिव होते हैं तीन स्ट्रेचर के कोर्स एक हेडर का कोर्स, तीन स्ट्रेचर के कोर्स एक हेडर का कोर्स। इस तरह की वॉल आपको दिखे तो वो होती है इंग्लिश गार्डन वॉल, राइट। और फ्लेमिश गार्डन वॉल में क्या होता है, इसे तीन इस सिंगल कोर्स के अंदर तीन स्ट्रेचर एक हेडर, तीन स्ट्रेचर एक हेडर, राइट, इस तरह से होता है, तो इसको फ्लेमिश गार्डन वॉल कहा जाता है। और लास्ट में था हमारा जिगजैग बॉन्ड, राइट दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में आपको बताऊँगा कि बॉन्ड्स जो है ब्रिक बॉन्ड कैसे होती है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, राइट।